राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इस महीने अपना बर्थडे ही नहीं सेलिब्रेट कर रही है बल्कि एक और अहम मुकाम भी हासिल कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी यादगार फिल्म मिमी की, जिसके रिलीज को 3 साल पूरे हो गए हैं। 2021 में रिलीज हुई मिमी में कृति ने एक सरोगेट माँ का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें खूब सराहना ही नहीं मिली बल्कि उन्हें नेशनल अवार्ड तक से नवाजा गया। इस परफॉर्मेंस के साथ वो बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस में से एक बन गई। कृति सेनन का किरदार मिमी में एक क्यूट, चीयरफुल और एम्बिशियस लड़की का है, जो अपने सरोगेट बच्चे के लिए खड़ी होती है और एक अच्छी माँ बन जाती है। कृति के इस किरदार ने सभी का दिल जीता है और यह उनके सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रोल्स में से एक है। ऐसे में फिल्म की 3री एनिवर्सरी के मौके पर यह परफेक्ट समय है कि कृति के रिमार्केबल परफॉर्मेंस को याद किया जाए, जिसके जरिए उन्होंने मिमी में जान फूकी थी। किरदार को असल रूप देने के लिए कृति ने नेचुरल तरीके से वजन बढ़ाया था और किसी तरह के बॉडी सूट का इस्तेमाल नहीं किया था। किरदार के लिए अपनी तैयारी के बारे में बात करते हुए कृति ने अपने पुराने इंटरव्यू में कहा था, मुझे मिमी के लिए 2 महीनों में 15 किलो वजन बढ़ाना पड़ा, जिसे मैं फिल्म पूरी होने के बाद ही कम कर सकी। इस तरह से किरदार को पूरी तरह से अपनाने के लिए उनकी यह डेडिकेशन एक एक्ट्रेस के रूप में कृति के जुनून और समर्पण को दर्शाती है। नेशनल अवार्ड जीतने के बारे में बात करते हुए कृति ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा, मिमी हमेशा से ही खास रही है क्योंकि इसमें मनोरंजन के साथ साथ दिल और आत्मा भी थी। जब हमने शूटिंग शुरू की तो सीन्स असल में कागज पर दिखाए गए सीन्स से बेहतर निकले और ऐसा हर फिल्म के साथ नहीं होता। सीन्स के साथ फील आ रही थी कि कुछ तो स्पेशल है, भले रिजल्ट कुछ भी क्यों ना हो। लक्ष्मण मिमी के निर्देशक सर मुझे मिमी कहकर बुलाते हैं, जो वह आज भी करते हैं। वो हमेशा कहते थे, देखना आपको इसके लिए नेशनल अवार्ड पुरस्कार मिलेगा। तो असल में जब यह हुआ तो मैंने उन्हें फ़ोन किया और पूछा, आपको कैसे पता चला? उन्हें बहुत भरोसा था क्योंकि मैं वैसे भी खुद के लिए बहुत क्रिटिकल हूँ। एक नया चैप्टर शुरू करते हुए कृति इस साल अपने प्रोजेक्ट 2 पत्ती के साथ प्रोड्यूसर बन रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कहानी कहने और क्रिएटिविटी की सीमाओं को आगे बढ़ाना है। अनुभवी एक्ट्रेस काजोल के साथ और अपने प्रोडक्शन हाउस ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स के तहत कृति एक प्रोड्यूसर के रूप में इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए तैयार है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।